तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम नोरी पनोई सोलर वर्सेस डुओ में। तो दोस्तों, मैंने लैंडिंग जो करी है वो लेट करी है ताकि बंदों की लोकेशन थोड़ी बहुत पता चल जाए। तो भैया दो बंदे कर देते हैं यहीं पे ही लैंड। तो वही चलो हम करते हैं लूटपाट। और वही इस कंटेनर में मिलती है मुझे P92 और एनर्जी। तो भैया वे दो बंदे थे अजीब, मतलब वे चले गए यहाँ से, दूर चले गए और पता नहीं कहाँ लूट रहे होंगे आगे जाके। और भैया छः सात बंदे उतरे हैं इधर वाले कंटेनर की तरफ, आगे वाले की। तो भैया यहाँ पर मुझे दिखता है एक बंदा पानी में, आपको भी दिखा होगा। लेकिन सबसे पहले मिली एक नई गन वाली, और इस पर मैं हिट देने की कोशिश करता हूँ तो लेकिन नहीं लगती भाई इसके पानी में। इसको पता तो लग जाती। और भाई चलो हम, मैंने ध्यान दिया कि पीछे ही बंदे हैं, तो भैया हम चलते हैं लूटपाट करने भी। और तो भैया तभी वे दो बंदे दिख जाते हैं इधर वही। तो भाई मैं करता हूँ एक को नॉक, वही एक को नॉक कर दिया। अब हम कर देते हैं लेफ्ट से फ्लैंक। वही फ्लैंक ज़्यादा करना पड़ता है सोलो वर्सेस डुओ या स्क्वाड हो, तो फ्लैंक कर देते हैं राइट लेफ्ट से। और भाई लेफ्ट से करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से मतलब वो भागा चला रहा है, भागा चला रहा है। तो भाई इसको कर देते हैं पूरा ख़त्म। PP19 वर्जन की गन बहुत ही वैसे बढ़िया है गन। तो भैया अब हम इसके इंतजार करते हैं दूसरे बंदे के, जिन्हें से रिवाइव करा दिया। तो भैया दूसरा बंदा, मैंने सोचा और लेफ्ट में चला जाऊँ फ्लैंक करके ताकि वो यहाँ से दिख जाए मुझे, लेकिन भाई वो भी नहीं दिखा मुझे। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर TP भी लेते हैं, तो वो TP भी लेने के बाद भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ से मैंने पहले बैग लेवल, उनका बैग मेरे को मिला। और भाई अब मुझे दिख जाता है बंदा, जैसे कि पहले मैं 9 mm की गोली उठाता हूँ और ये देख सकते हैं अब इसे मैं हिट देता हूँ पहले, लेकिन मेरा थोड़ा बहुत जो कंट्रोल है रिकॉल सही नहीं है। तो भाई अब मैं उठा लेता हूँ लेवल 2 की वेस्ट और कर देते हैं इसे हिट। गया भाई। चलो भाई अब कर चलते हैं लूटपाट, एक टीम तो ख़त्म कर ही दी। तो सबसे पहले लूटते हैं उसकी बॉडी, और मुझे पता है बंदे अभी बहुत हैं उधर। तो भाई चलो लूटपाट कर लेते हैं, बैरल उठा लेते हैं। और लूट करने के बाद उनसे मुझे लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 3 का बैग मिला और बैरल की गोली सब मिल गया। बस इसकी गोली और चाहिए थी मेरे को अभी, तो मैंने सोचा यहाँ पर लूट लूँ थोड़ा बहुत कंटेनर। यहाँ से मिलता है नाइट विजन गोगल। भाई अब चल लेते हैं हम आगे। तो यहाँ पर हो चुका है फिर लैग, लैग ना हो तो गेम में बेकार ही है। मतलब कि पिंग इसमें बहुत मेरी हाई रही है इस मैच में। यहाँ से मिल जाते हैं बैंडेज 3 2, और यहाँ से मिल जाती है बाइजन की गोली इसकी। भैया हो चुके हैं फिट 4, चलते हैं। तो भाई तभी हमें दिखाई पड़ता है एक बंदा, मतलब लूट ही रहा है बढ़िया, कूद काट के इसे हम कूद आते हैं। तो भाई ये नॉक नहीं होता, हेड पड़ते हैं वैसे शॉट, बस एक दो शॉट और पड़ जाता तो ये नॉक हो जाता। तो भाई हम कर देते हैं इसमें भी लेफ्ट से फ्लैंक, क्योंकि भाई सोलो वर्सेस डुओ में यार लेफ्ट फ्लैंक करके जीता जा सकता है, और TP भी से नहीं तो भाई बहुत खतरनाक। भाई हम यहाँ पे सोचते हैं कि इस पर मैं देखता हूँ इस पर खड़ा होके इधर इधर है क्या नहीं। तो भाई हम इधर आ जाते हैं घूम के, वो कहीं नहीं दिखा मुझे। तो इधर से मुझे DP की निशान की सुनाई आती है बार बार, तो मैं समझ गया कोई और बंदे भी हैं। एक टीम तो है ही पक्का, और कोई और बंदे भी हैं, मैं पक्का ध्यान से पूरा समझ गया था। तो भाई मैं पहले इधर देखता हूँ, इधर भी मुझे कोई नहीं दिखता, तो फिर मैं कर देता हूँ लेफ्ट से फ्लैंक फिर से। फिर मैं पहुँच जाता हूँ इधर लेफ्ट की तरफ, पहले बढ़ा लूँ मोबाइल की ब्राइटनेस क्योंकि भाई थोड़ा कम चमक रहा था मेरे को। वो बंदा मतलब भाई पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वो लूट रहे होंगे उसकी बॉडी जिसे अभी TP से मारा उन्होंने। और मैं समझ गया था एक सिंगल बंदे को मारा दो ने। तो भाई मतलब कि फिर अब जो लिखा हुआ आ रहा है ना साइड में, जो TP चला रहा है और निशान भी आ रहा है, तो मैं समझ गया यहाँ पर दो बंदे हैं। तो भाई हम जाते हैं एकदम से और यहाँ पर देखते हैं उसकी बॉडी पड़ी है जिसे भी मारा है। तो भाई हम यहाँ बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आता बंदा। तो ये फिर हम इधर आ जाते हैं कंटेनर की तरफ और देखते हैं कि जोन भी आ रहा है और वो कब लूटना है इसे। तो भाई वो लूटने तो आ ही नहीं रहा था, तो तभी मुझे दिखाई पड़ता है सामने बंदा एक इधर की तरफ।
इधर ही मुझे दिखाई पड़ता है। तो भाई और इसे कर देते हैं पीपी नाइन विजन से हेड शॉट में, दो मेहमान कर रही है गन, तो ये हो गया नॉक। तो भैया इसका टीम मेट भी इधर ही देख लिया उसने मुझे। तो भाई हम चल देते हैं फिर लेफ्ट से फ्लैंक करने। तो देख सकते हैं आप अभी मेरी पिंग सवा है, और अब देखना मैं इधर आ जाता हूँ घूम के, और वही हम आ गए फिर वहीं। ये तगड़ा मोमेंट है पबजी का। और भाई इतनी देर पर उसने करा ली रिवाइव, और इसे कर देते हैं पहले नॉक, मतलब भाई अंदर नहीं हील कर सकते हम। तो भैया अब मैं उठा लेता हूँ मौके का फ़ायदा और बैरल निकालता हूँ अपनी, और मुझे दिख रहा है बंदा, और मैं कुछ नहीं करता पेक वीक और ऐसे ही हेडशॉट पहन लेता हूँ। तो अब हम कर लेते हैं इसे लूट वूट और चलते हैं सर्किल में फिर। तो यहाँ से मिल जाती है मेरे को डीपी और पीपी नाइन विजन यूज़ करेंगे आज बढ़िया करने। तो भैया हम सर्किल में आने के बाद मैं आ रहा था गाड़ी से सर्किल से, मतलब सर्किल में, और देख सकते हैं पुल पे हूँ मैं बग्गी लेके। तो मेरी पिंक का कमाल, ये वहाँ आ गया पुल पे, पुल भी पार हो गया, और ये देख सकते हैं अब कहाँ गया, खुद ही खुद, मतलब खुद ही खुद मैं गिर गया इतने ऊपर से। और भाई अब तो तुम्हें पता ही है। तो अब मैं चलता हूँ अगले सर्किल में। तो भैया हम सर्किल में चलते हैं, कोई गाड़ी वाड़ी यहाँ पर भी खड़ी रहती है, और वो भी नहीं खड़ी है। तो ये चलो सर्किल में रह गया 300 मीटर दूर और सर्किल। अब भैया भागते भागते रहना पड़ेगा, बीच में कोई बंदा प्रोन मिल गया तो बस हो गया काम। और भैया मैं पहुंचने वाला हूँ रोजॉक की पहाड़ी पे पहुंच गया मैं। तो भाई मुझे पता था यहाँ बंदे हैं, मैंने स्कूप करके देख लिया था, मैंने थोड़ा कट कर दिया वीडियो को, और वो उसे पैरों की आवाज़ मतलब सुनाई दे गई, वो देख रहा है इधर इधर किधर है बंदा आया किधर। तो भैया हम करते हैं इसे नॉक कब से पहले, और भैया फिर कर देते हैं हम राइट से फ्लैंक। भैया अब निकालते हैं डीपी, डीपी प्लस होलो हमारा कमाल, अभी दिखाते हैं। और तो भाई यहाँ पर पड़ा है बंदा नॉक, तो भाई एक पड़ा है प्रोन, वाह। तो इसका प्रोन होना देखो, इधर की तरफ प्रोन का पड़ा है, ना रिवाइव करना ना कुछ करना भाई, बस देखना है हमें। तो भाई इन दोनों की टीम को कर देते हैं ख़त्म, और करते हैं लूट अपनी। तो भाई लूट के दिन पे भरमार है, सब कुछ यही मिल जाएगा आपको। तो भाई मैं करता हूँ इधर लेट के, कवर में हूँ इसलिए मैं लूट भी लिया मैंने एंड में। इधर मैं करता हूँ अपने, थोड़ी गोली गिराता हूँ और स्मोक ज़्यादा उठाता हूँ। तो भैया स्मोक स्मोक उठा लिए थे मैंने। तो स्कूल पे मुझे एक बंदा दिखा ऊपर, स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर एक गिले शूट में एक बंदा दिखा मुझे। और भैया मैं इसको हिडोने की कोशिश करता तो वो अंदर चला गया। तो भाई मैं इसे देता हूँ एक हिट, अभी थोड़ी देर में दूंगा मैं, कर देता हूँ लोकेशन चेंज अपनी। मुझे लगता है उसने मुझे देख लिया, लेकिन अभी देखा नहीं क्योंकि उसका मुँह इधर था। और मैं देखता हूँ इधर इधर तो कोई राइट में से तो नहीं आ रहा, कभी कोई पीछे से ही हमारा वाला काम कर दे वही प्लान करके। और भाई हम देते हैं इसको एक हिट, और भाई उसने भी मुझे देख लिया था, तो उसकी भी ओम थी उस पर, और ओम पड़ी उस पर रिच पे, नहीं तो मेरा काम हो गया था। तो भैया अब वो मार मार मारे जा रहा था, मतलब कि स्कूल में एक बंदा था वो उससे टीपी भी ले रहा था, तो मुझे पता चल गया, मतलब दो बंदे बचे थे मेरे अलावा जो स्कूल में थे। तो भाई मतलब सर्किल आ गया, और अब मैं करता हूँ गाड़ी के पीछे चला जाता हूँ। मतलब भाई ये मेरा बिल्कुल, मतलब कि गेम बिल्कुल बेकार रहा है। अब देख सकते हैं मैं स्प्रे करता हूँ, एक भी गोली नहीं पड़ती भाई, मतलब मैं जल्दी जल्दी में स्प्रे कर दिया और एक भी गोली नहीं पड़ती, और वो लेट गया। अब करते हैं हम अपने डीपी रिलोड। तो भाई अब हम करते हैं पीक लेके इसको, हम इंतज़ार करते हैं उसके झांकने का, लेकिन अब हम लेते हैं ऐसी पीक नहीं, और वो दिख रहा है मुझे उसका मुँह, और मैं अटकता था हेड शॉट देता हूँ। मुझे लगता है उसकी नहीं पड़ेगी, लेकिन उसकी साले की AWM भी मेरे को पड़ जाती है, और हेडशॉट मेरा सही से, मतलब सही से नहीं जाता, ना Level 3 का हेलमेट जाता ना कुछ। उसने भी मतलब थोड़ी सी पड़ी उसकी भी, और हम लगाते हैं फर्स्ट एड डीपी लोड करके तुरंत। और भाई अब मेरे देखो हेल्थ, मतलब उसकी पड़ गई गोली मुझे यहाँ पे भी, मतलब चलाओ जा रहा था भाई। तो मैं उठाता हूँ स्मोक जल्दी से और करता हूँ, और भाई कर देता है काम हमारा। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।